हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोरी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का करंट अफेयर एनवायरनमेंट पे होगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे आते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट से, जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा सकता है, रामसर साइट से क्वेश्चन पूछा सकता है, इवन ये जो हमारे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन पूछा सकते हैं, है ना, COP26 से क्वेश्चन पूछा सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकते हैं। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। आज का पहला टॉपिक लेते हैं और ये है भारत वन स्थित रिपोर्ट। इसे बोलते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, दैट्स कॉल्ड ISFR। मैं इसको फुल फॉर्म लिखता हूँ, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, कौन से राज्य में कितना फॉरेस्ट कवर एज ऑफ नाउ है और कौन से राज्यों ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है इसमें। और ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है, इट्स लाइक बाइनल। तो यहाँ पे याद रखिएगा, 2 साल में एक बार आती है। पिछली बार की जो आई थी वो 2019 की आई थी एंड राइट नाउ वी स्टार्टिंग 2021। अगली बार जब आएगी 2023 की आएगी, तो 2023 की जब आएगी 2024 में आप उसके बारे में पढ़ेंगे। सो भारत वन स्थित रिपोर्ट की बात करें, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ISFR। आपको इस टर्म को भी मिल सकता है एग्जाम में, ISFR 2021 इसको बोला जाता है। तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे, है ना। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से हम बात करें तो हमारे यहाँ भारत सरकार का जो हमारा जो स्पेशली भारतीय वन सर्वेक्षण है, दैट्स कॉल्ड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा हर 2 साल में प्रकाशित किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दैट इज रिलीज बाई FSI, है ना, इट इज रिलीज बाई FSI। FSI मतलब बात कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन 2 years, alright? So it's like biennial, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, बोल सकते हैं biennial। biennial मतलब साल में, 2 साल में एक बार इसको release किया जाता है। तो release किसके द्वारा किया जाता है, Forest Survey of India के द्वारा release किया जाता है। ये body के बारे में आपको नाम याद रखना है, this also quite important। इस report की बात करें तो पहली बार इस report की शुरुआत हुई थी 1987 से। तो ये रिपोर्ट स्टार्ट होती है 1987 से, मतलब कई साल पहले से स्टार्ट हुई है 1987, इट्स ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखना है इस रिपोर्ट के बारे में, कि जो रिपोर्ट के डेटा जो कलेक्ट किए आते हैं, इसमें जो सैटेलाइट बेस्ड डेटा है उसको कलेक्ट किए आते हैं, उसके माध्यम से हम लोग ये डेटा को प्रेजेंट करते हैं ना। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ देखा जाए तो जो फॉरेस्ट कवर है हमारे देश में, वो रफली कह सकते हैं 21% या 22% के आसपास में है। अभी हम उसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ऑफ नो जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो फॉरेस्ट पॉलिसी जब 1988 में लाई गई, तो यहाँ बोला गया कि कम से कम हमारे देश में जो पासिंग मार्क होता है वो कितना होता है, पासिंग मार्क होता है 33%। तो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड किया कि हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी 33%, है ना। तो फॉरेस्ट कवर कितना होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर बोलना चाहिए 33%। ये बेसिकली फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बोला गया। हालांकि जो डिफरेंट कन्वेंशंस होते हैं वहाँ भी इसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि कम से कम 30-33% के आसपास फॉरेस्ट कवर आपके देश में होना चाहिए, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार इतना बना पाना दस नॉट दैट इजी वन, जो कि डेवलप कंट्री की हम बात करें तो बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में फॉरेस्ट कवर बहुत कम होता है, और बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें, वहाँ फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे यदि हम अपने इंडिया में देखें तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में फॉरेस्ट कवर काफ़ी कम है। वहीं पर यदि आप देखें मणिपुर, मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें जहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी कम है, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। एनीवे, तो यहाँ पर यदि हम बात करें एज ऑफ नो हमारे देश में फॉरेस्ट कवर कितना है, तो ये डेटा आपको ज़रूर याद रखना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एज ऑफ नो भारत में जो फॉरेस्ट कवर है, लेट मी राइट डाउन दिस वन, वन आवरण इस बोलते हैं फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। देखिए अभी भारत का देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्टेट वाइज भी देखेंगे। तो राइट नाउ वी टॉक अबाउट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, भारत में जो वन आवरण है वो कितना है। तो ये है एज ऑफ नाउ दस रफली, यदि हम डेटा की बात करें, और ये रिपोर्ट 2021 के हिसाब से है।
ये है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का एरिया है। तो यहाँ पर हम देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पर फॉरेस्ट कवर भारत में जो है वो कितना है, 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। और ये यदि हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो ये है 21.71% है, पूरे भारत का जितना एरिया है उसका 21.71% जो कवर है वो हमारे देश में एज ऑफ नाउ है। यदि हम पिछली रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें तो रीच रेज कंपेयर टू रेज कंपेयर टू 2019 रिपोर्ट, 2019 रिपोर्ट के हिसाब से भी हम रेंज देखें कितना रेंज हुआ है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि दैट्स रफली अराउंड 1,540 किलोमीटर स्क्वायर का हमारे देश से फॉरेस्ट कवर रेंज हुआ है। तो कह सकते हैं ये पॉजिटिव चीज़ है, कुछ राज्यों ने फॉरेस्ट कवर में काफ़ी ज़्यादा एडिशन किया है, हालांकि कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज भी देखने मिला है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, तो एज ऑफ नाउ वहाँ फॉरेस्ट कवर एज ऑफ नाउ डाउनवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें तो 2019 की तुलना में हमें यहाँ पर रेंज देखने मिला है। यदि इसी को परसेंटेज में हम देखें दैट्स रफली अराउंड 0.22%, यदि आप लिखना चाहें, हालांकि बहुत ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 0.22% का यहाँ पे हमें रेज देखने मिला है एज कम्पेयर टू 2019, मतलब आप देखेंगे कि अपवार्ड ग्रोथ हमें देखने को मिला है एज कम्पेयर टू 2019, है ना। नाउ यहाँ पे यदि हम बात करें एज ऑफ नाउ एक और चीज़ यहाँ पे बोला गया है, जैसे वन आवरण हम डिस्कस करते हैं, इसके अलावा एक और डिस्कस किया जाता है यहाँ पे ट्री कवर, वृक्ष आवरण, है ना, दैट्स कॉल्ड ट्री कवर। ट्री कवर मतलब वृक्ष का आवरण कितना है, तो बताया गया है वो है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। तो फॉरेस्ट कवर में सारा का सारा होता है, ट्री कवर में ट्री के नीचे का जो एरिया होता है सिर्फ वही काउंट किया जाता है, तो 95,748 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये कितना है, ये टोटल जो हमारी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.91% है, कितना है 2.91%, ये हमारे देश में एज ऑफ नाउ ट्री कवर है ना। तो रेज कंपेयर टू, यदि हम बात करें रेज कंपेयर टू 2019, तो यहाँ भी हमें ट्री कवर में भी रेज मिला है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ आप कह सकते हैं कि राइट नाउ वी आर रेजिंग इन दिस एरिया एज वेल। तो रफली अराउंड 721 किलोमीटर स्क्वायर, 721 किलोमीटर स्क्वायर का रेज हमें 2019 की रिपोर्ट की तुलना में मिला है, मतलब आप कह सकते हैं रफली 0.76% का रेज हमें ट्री कवर में भी मिला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेटा आपको याद रखना है। अब देखिए यदि यहाँ पे हम लोग ये दोनों डेटा को आपको ऐसे से याद रखना है, ट्री कवर कितना है ये है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, और जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, फॉरेस्ट कवर एज ऑफ नो हमारे इंडिया में है, लेट मी जस्ट वन सेकेंड, दैट इज 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर है और ये हमारे ट्री कवर है। तो ट्री कवर में बेसिकली सभी क्षेत्र फॉरेस्ट में काउंट नहीं किए आते हैं, जैसे मान लीजिए जंगल का क्षेत्र एक अलग क्षेत्र होता है तो वो तो फॉरेस्ट कवर में आ गया, लेकिन बाकी जैसे मान लीजिए हमारे घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ है ना, तो वो ट्री कवर में आ गया, वो तो जंगल में काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो ट्री कवर एक अलग एरिया होती है, फॉरेस्ट कवर एक अलग एरिया होती है ना, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे यदि हम दोनों को ऐड कर दें, यदि हम दोनों को ऐड कर दें, मतलब यहाँ पर यदि हम कहें टोटल कवर कितना है, व्हाट इज टोटल कवर, टोटल कवर में हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर चूंकि जो फॉरेस्ट एरिया होती है वो प्रॉपर तरीके से डिसाइड होती है कि इस एरिया में फॉरेस्ट कवर काउंट किया जाएगा, बाकी जगहों में यदि पेड़ लगे हुए हैं तो उसको हम लोग फॉरेस्ट में तो काउंट नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने यदि हम बात करें कि दोनों को यदि हम ऐड कर दें यहाँ पर, तो फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर यहाँ पे पाया गया है दैट इज 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, और ट्री कवर कितना है, ट्री कवर है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू निकली है वो निकलती है दैट्स रफली 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हियर, क्योंकि भारत का फॉरेस्ट कवर कितना है, एटलीस्ट यू शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस वन। और यदि हम इसी को परसेंटेज में हम देखें तो परसेंटेज में आएगा 24.62% फॉरेस्ट कवर है
फॉरेस्ट कवर नहीं बल्कि टोटल कवर आप कह सकते हैं। तो हमारे देश में यदि हम बात करें टोटल कवर, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना है, तो यह है 24.62%। मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है उससे तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी 24.62% है, मतलब दैट्स एडिक्वेट वन। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर की जो रैंक है ना, एरिया वाइज टॉप फॉरेस्ट कवर स्टेट्स, एरिया वाइज टॉप फॉरेस्ट कवर स्टेट्स, हमारे देश में सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर रखने वाले राज्य कौन से हैं, यदि हम इसकी बात करें, बिकॉज आमतौर पे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। तो अभी हम लोग एरिया वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें देखेंगे एरिया किसकी ज़्यादा है, फिर उसके बाद परसेंटेज वाइज भी डिस्कस करेंगे, दोनों डेटा अलग अलग होते हैं। तो यदि हम एरिया वाइज देखें तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक पे लाई करता है कौन, मध्य प्रदेश। अपने मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर आपको पता होना चाहिए देश में एरिया वाइज सर्वाधिक है। हालांकि मध्य प्रदेश की एरिया भी देखें देश में सेकेंड हाइस्ट पे है, पहले तो टॉप में था, लेकिन राइट नाउ आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मध्य प्रदेश, बिकॉज छत्तीसगढ़ अलग हो गया है एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग हमारी जो एरिया है एज ऑफ नाउ सेकेंड रैंक पे आ गई है राजस्थान के बाद में। लेकिन यदि हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो हमारे पास एज ऑफ नाउ ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, और कितना है अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट, ये है 77,493 किलोमीटर स्क्वायर। ये डेटा जो है आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का डेटा आपको पता होना ही चाहिए, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ये तो आपके बिल्कुल लिप्स में होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेकेंड हाईएस्ट में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट कवर में है, एवनली पता होना चाहिए आप लोगों को, परसेंटेज में भी अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट कवर में आता है, एवनली परसेंटेज में सेकेंड रैंक लाई करते हैं, और ये है 66,431 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब अरुणाचल प्रदेश का मैक्सिमम जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, जो पता होना चाहिए, जैसे आप यहाँ से सिक्किम चलें, सिक्किम के बाद यहाँ भूटान पड़ेगा, भूटान के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है ना, दिस इज समथिंग लाइक दैट, फिर ये यहाँ तक चलता है, फिर यहाँ पर नागालैंड हो जाएगा, फिर नागालैंड के बाद मणिपुर मिजोरम है, दैट रीजन इज ऑफ अरुणाचल प्रदेश बेसिकली। तो यहाँ पे याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का जो बड़ा एरिया है 66,431 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। एंड थर्ड वन इज दैट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, तो छत्तीसगढ़ का भी फॉरेस्ट कवर, जो हमारे फ्रेंड छत्तीसगढ़ का यदि एग्जाम दे रहे होंगे, तो छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट कवर आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन फॉर यू, एंड दैट इज 55,717 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कवर इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़ सेल्फ, है ना। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एरिया वाइज टॉप फॉरेस्ट कवर स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, है ना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर थिंग, एंड दैट इज अबाउट द परसेंटेज। परसेंटेज वाइज भी कई बार पूछा आता है एग्जाम में, तो परसेंटेज वाइज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द परसेंटेज वाइज टॉप, ओके लेट मी टेक द डिफरेंट कलर सो दैट एटलीस्ट यू कैन डिस्टिंग्विश इट। परसेंटेज वाइज टॉप फॉरेस्ट कवर स्टेट्स, नाउ परसेंटेज वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो परसेंटेज वाइज में टॉप कौन आएगा, यहां पर टॉप में है, यह है मिजोरम। लेट मी शो द लोकेशन ऑफ मिजोरम टू यू सो दैट यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड वेर इज इट लोकेटेड, हियर इट इज। तो ये है आपका हमारा ये इंडिया, और ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर आपको दिख रही होगी, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है, मतलब दैट्स क्वाइट बिग स्टेट। ये चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश एक बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, बोले म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम है ना। तो मिजोरम की बात करें, जो कि सबसे नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मिजोरम इज इन द सदर्न साइड, तो यहाँ पर देखें तो ये म्यांमार के साथ इधर बॉर्डर शेयर करता है, और दूसरी साइड बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। तो मिजोरम की बात करें, मिजोरम में हमारे देश में फॉरेस्ट कवर में सिक्स फर्स्ट रैंक पे है। कितना फॉरेस्ट कवर है आप सोचिए, दैट्स क्वाइट बिग वन, 84.53%। सोचिए किसी राज्य में 84.53% फॉरेस्ट कवर हो, आप सोच सकते हैं दैट्स क्वाइट बिग वन, है ना।
इन फैक्ट यदि आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर मणिपुर का लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मणिपुर का लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है, और पता होना चाहिए यहाँ पे एक हमारे देश का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, दैट इज कॉल्ड कैबो लैमजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है उसका? नाम है कैबो लैमजाओ नेशनल पार्क। इसे हमारे देश का तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है ना। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, फुमडीज पाई जाती हैं। फुमडीज का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे लोकतक लेक है, तो उसमें बेसिकली जगह जगह यहाँ पर फुमडीज पाई जाती है, मतलब घास के छोटे छोटे यहाँ पर टापू टाइप के नज़र आते हैं ऐसे। तो इस तरह का बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर मिलता है, ये है मणिपुर में। एनी वे वे टॉकिंग अबाउट दैट नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे जो ये कवर है ये काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट व्यू है ना। सो सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर फॉरेस्ट कवर में एरिया वाइज तो टॉप रैंक पे है, सेकेंड रैंक पे ही है। एवरली अरुणाचल प्रदेश परसेंटेज वाइज भी सेकेंड रैंक पे है, तो आप सोच सकते हैं कितना डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर, 79.33%, मतलब उस राज्य का 79.33% फॉरेस्ट कवर है। और थर्ड रैंक पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आता है मेघालय। मेघालय की बात करें तो मेघालय बहुत ही ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र यहाँ पर मेघालय में ही है, चेरापूंजी एंड मासिनराम, यू नो अबाउट दैट वन। लोकेशन आप देखना चाहें देख सकते हैं, ये है मेघालय। तो यहाँ पर मेघालय राजधानी शिलोंग है, लेकिन चेरापूंजी मासिनराम यहीं पर है बेसिकली। गारो खासी एंड जयंती आदि हिल्स लोकेट ओवर हियर। सो लुक एट हियर अगेन, तो मेघालय की बात करें, मेघालय में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? वह है 76%। तो ये हमारे देश के टॉप फॉरेस्ट कवर स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। वन मोर थिंग इज दैट यहाँ पर यूनियन टेरेटरीज की हम बात करें, टॉप अबाउट यूनियन टेरेटरीज, यूटीज का भी फॉरेस्ट कवर में सबसे टॉप में कौन है? यूनियन टेरेटरीज में यदि हम देखें तो दो का डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ अभी, बट बिफोर दैट लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की आपको बताना चाहिए यहाँ की एरिया केवल 32 किलोमीटर है स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है लोकसभा का। तो लक्षद्वीप का एरिया लगभग 90.33% फॉरेस्ट कवर यहाँ पर है, मतलब लक्षद्वीप का मेजर पोर्शन फॉरेस्ट कवर में आता है। दस लोकेशन ऑफ लक्षद्वीप, लुक एट दिस वन, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। लुक एट हियर, यहाँ पे आइलैंड्स दिखाए तो नहीं गए हैं, बट दीज आर सम डॉट 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 समथिंग लाइक दैट। ये कवरत्ती भी आपको दिख रहा होगा यहाँ की जो कैपिटल है। एनी वे आगे चलते हैं, यहाँ पर लक्षद्वीप से, लक्षद्वीप में फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक है। इसका सेकेंड नंबर पे है आपका दैट इज अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार का भी फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक है, सेकेंड हाइजेस्ट में है, एंड दैट इज 81.75%, 81.75%, दैट्स क्वाइट बिग वन। अंडमान निकोबार का लोकेशन तो आपको जानते ही हैं, ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पे पोर्ट प्लेयर है और नीचे सेलर जेल भी यहाँ पर है, तो ये भी आप लोग याद रखें। ये पूरा रीजन अंडमान निकोबार का ही है, 10 रीजन ऑफ अंडमान निकोबार। यहाँ पे सबसे सदर पॉइंट है, इसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जैसे पिग बैलन पॉइंट बोलते हैं, हालांकि बिकॉज ऑफ सुनामी एंड ऑल ये लोकेशन थोड़ा सा पानी के नीचे चला गया है, लेकिन ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन एज वेल। तो ये रहा हमारा बेसिकली फॉरेस्ट कवर वाले राज्य। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस किया थी कई बार, यहाँ पे लीस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है? हाइजेस्ट का तो हमने देखा ही है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर या लीस्ट फॉरेस्ट कवर। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर में सबसे नीचे से जो राज्य आते हैं उसमें से सबसे टॉप में आता है, दैट इज बेसिकली हरियाणा। हरियाणा का फॉरेस्ट कवर बहुत ही कम है, हालांकि हरियाणा में देखें तो मोस्टली जो लैंड है वो एरीगेटेड लैंड है, और वहाँ पर प्रॉपर एग्रीकल्चर होता है। हरियाणा एक कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में सबसे ज़्यादा बेनिफिट पाने वाला स्टेट हरियाणा और पंजाब ही रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वो है रफली 1603 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कवर, दैट्स क्वाइट वेरी स्मॉल वन। ये हरियाणा है यहाँ पर सबसे लोवेस्ट में। इसके बाद सेकेंड में नो डाउट पंजाब ही है, चूँकि पंजाब का फॉरेस्ट कवर, चूँकि ये राज्य इतने छोटे नहीं है जितना फॉरेस्ट कवर यहाँ पे कम है। हरियाणा पंजाब की बात करें, पंजाब में वहाँ पे 1847 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर है, दैट्स ऑल्सो क्वाइट ए स्मॉल वन, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर खेती आपको मिलेंगे। तो आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब की जो साइज़ है बहुत छोटी नहीं है, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, मतलब बहुत छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो छोटे भी नहीं है। यदि इनका कंपैरिजन आप प्रॉपर तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से करेंगे तो वहाँ से डेफिनेटली बड़े हैं, और देखा जाए तो जैसे केरला की जो एरिया है उसके लगभग लगभग बराबर आपको पंजाब हरियाणा की एरिया कह सकते हो, दिस क्वाइट बिग स्टेट्स। नाउ थर्ड रैंक पे यहाँ पे बोला गया है, थर्ड रैंक पे है गोवा।
ये गोवा की कंपैरिजन यदि आप देखें, गोवा एक कितनी छोटी सी स्टेट है, लुक एट दिस वन, वेरी स्मॉल स्टेट, और इसके बावजूद भी गोवा का जो फॉरेस्ट कवर है वो एरिया वाइज तीसरे रैंक पे आता है, एंड दैट इज़ क्वाइट बिग सरप्राइज फॉर हरियाणी एंड पंजाबी। तो गोवा की बात करें, गोवा यहाँ पर थर्ड रैंक पे लाई करता है, और गोवा के पास फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना है, दैट इज रफली अराउंड वी कैन से 2,244 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब गोवा का एक बड़ा एरिया वैसे फॉरेस्ट कवर में आता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द गोवा, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर कम नजर आता है, लेकिन वैसे देखें गोवा में फॉरेस्ट कवर काफी ज्यादा है। तो ये बेसिकली हमारे यहाँ लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर वाले हैं, और ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था एरिया वाइज, हियर वी बी डिस्कसिंग अबाउट द एरिया वाइज, है ना। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा आता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है कई बार। फॉरेस्ट कवर में 2019 की तुलना में मैक्सिमम रेज किसने स्कोर किया है? तो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट कवर, ये क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में, और पॉसिबिलिटी है आपसे पूछा सकता है, बिकॉज अभी छूट कुछ एग्जाम में पूछे भी गए हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट कवर कौन से राज्यों का हुआ है, और मैक्सिमम लॉस किसका हुआ है ना। तो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट कवर कौन से राज्यों का हुआ है यदि हम उसकी बात करें, तो इसमें टॉप में आता है, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अपनी सिचुएशन को काफी बेहतर करने का प्रयास किया है, दे हैव एडेड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन देयर एरिया। तो आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश का एक बड़ा रीजन, लेकिन आंध्र प्रदेश में वैसे ही फॉरेस्ट कवर ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आंध्र प्रदेश ने एक बड़ा रीजन फॉरेस्ट कवर में ऐड किया है, एंड दैट इज रफली अराउंड 647 किलोमीटर स्क्वायर। 647 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा होता है वैसे देखा जाए तो। यहाँ पे आप देखिए, ये है आंध्र प्रदेश का लोकेशन, दैट्स आंध्र प्रदेश, काफ़ी बड़ा राज्य है वैसे देखा जाए तो। यहाँ की जो कैपिटल अमरावती दिखाया गया है, तेलंगाना की जो हैदराबाद है। नाउ लुक एट दिस वन, द सेकेंड स्टेट वी टॉकिंग अबाउट, दैट इज बेसिकली तेलंगाना। तेलंगाना ने भी अपने एरिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एडिशन किया है। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है इस समय? आंध्र प्रदेश के सीएम है जगन मोहन रेड्डी, और तेलंगाना के सीएम है इस समय केसीआर के चंद्रशेखर राव। हालांकि तेलंगाना के जो सीएम इस समय है, इनकी चर्चा इस समय न्यूज़पेपर में काफ़ी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ हिज टसल विद भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन एंड ऑल। तीसरे रैंक पे यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा ने भी अपने फॉरेस्ट कवर में काफ़ी ज़्यादा एडिशन किया है। मैं आपको दोनों का लोकेशन दिखाता हूँ, पहले ये आंध्र प्रदेश का लोकेशन था, ये तेलंगाना जो कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना। और इसके अलावा यदि हम बात करें उड़ीसा की, बात करें उड़ीसा के जो सीएम है इस समय नवीन पटनायक हैं, इसका बड़ा रीजन जो है कोस्टल एरिया में आता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखें। उड़ीसा में फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना ऐड किया है, 537 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर ऐड किया गया है, तो ये उड़ीसा का, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे यहाँ टॉप ग्रोथ पाने वाले राज्य हैं, तो इनको आप लोग याद रखेंगे, है ना। इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, कि मिनिमम मैक्सिमम जो लॉस है फॉरेस्ट कवर का वो किस में हुआ है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। तो मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम फॉल कह सकते हैं आप, या मैक्सिमम ड्रॉप, बट हम मैक्सिमम लॉस वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर में जो राज्य जाते हैं उसमें से आपके हैं, दैट इज बेसिकली अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है 2019 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लॉस पाया गया है, एंड दैट्स नॉट वेरी स्मॉल वन, दैट्स रफली अराउंड 250 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास यहाँ पे लॉस हुआ है। तो सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है अरुणाचल प्रदेश का, बिकॉज राइट नाउ अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर काफ़ी कम हुआ है। एंड यदि हम एरिया की बात करें कितनी हुई है, हालांकि एरिया आपको याद नहीं रखनी है, बट ये भी आपको याद रखनी है, रैंकिंग में पूछा सकता है कई बार एग्जाम में, 257 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर यहाँ पे लॉस हुआ है। सेकेंड हाईएस्ट में आता है मणिपुर। मणिपुर का भी फॉरेस्ट कवर काफ़ी ज़्यादा है, और मणिपुर में भी फॉरेस्ट कवर में लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बिकॉज यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है। 249 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पर लॉस हुआ है, और थर्ड हाईएस्ट लॉस में हम देखें तो यहाँ पर भी फॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ही है, वो है नागालैंड। नागालैंड का जो फॉरेस्ट कवर है, चूंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बाई डिफॉल्ट यहाँ पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी 235 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है।
तो आप कह सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही फॉरेस्ट कवर लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ यू नो दैट्स नॉट इवन पॉसिबल कि यहाँ पे इतना फॉरेस्ट कवर मेंटेन किया जाए बिकॉज कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हमें फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, ये रहा फॉरेस्ट कवर के बारे में, दिस ऑल अबाउट द फॉरेस्ट कवर। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा आता है कई बार एग्जाम में, बिकॉज कई बार ये पूछा आता है हमारे यहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट में कौन सा राज्य है, मीडियम डेंस फॉरेस्ट में कौन से राज्य की रैंक है, ओपन फॉरेस्ट में कौन सी राज्य की टॉप रैंक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी यदि हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसे बोलते हैं VDF, बहुत घने वन। वेरी डेंस फॉरेस्ट में हम देखें वेरी डेंस फॉरेस्ट में हम केवल देखेंगे जिस राज्य की यहाँ पर टॉप रैंक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में वेरी डेंस फॉरेस्ट में दे गॉट द टॉप फर्स्ट रैंक और इनके पास रफली 21,095 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कवर है। ये डेटा मैं इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आपको इससे एक रफ एस्टिमेट मिल जाए। यहाँ पे इस डेटा को आपको याद रखने की कतई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि रफली इस रेंज में है। इसके अलावा एक और होता है MDF, मीडियम डेंस फॉरेस्ट की हम बात करें, मीडियम डेंस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इसकी डेफिनेशन आपको नहीं देखनी है बिकॉज डेफिनेशन आपसे एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा आता है। यहाँ मोस्टली पूछा आता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट में किसकी टॉप रैंक है और इसमें कमाल की बात है मध्य प्रदेश में टॉप फर्स्ट रैंक पे है मीडियम डेंस फॉरेस्ट में। और यहाँ पर मीडियम डेंस फॉरेस्ट की जो एरिया है वो पाई गई है 34,341 किलोमीटर स्क्वायर, 34,341 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया आप लोग याद रखते हैं। इसके बाद एक है OF, ओपन फॉरेस्ट की बात करें, ओपन फॉरेस्ट में भी टॉप रैंक में मध्य प्रदेश है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेंसिटी काफ़ी कम रहती है वैसे और यहाँ भी टॉप रैंक स्कोर किया है मध्य प्रदेश ने। और यहाँ पर ओपन फॉरेस्ट की बात करें कितनी है, वो रफली 36,465 किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये बेसिकली अलग अलग फॉरेस्ट में कवर में ये अलग अलग राज्यों की रैंकिंग है, टॉप रैंकिंग, इनको आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, तीरा हमारा फॉरेस्ट कवर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना है इसमें बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन पूछे आते हैं कि टाइगर रिजर्व में कितना एरिया आता है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिकॉज प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कुछ टाइगर सेंचुरीज जो हैं उसमें फॉरेस्ट कवर का एक बड़ा परसेंटेज है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन इतना डिटेल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा आते इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन यस, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में जरूर डिस्कस किया जाता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट कवर है वो नागार्जुन सागर सीरसैलम टाइगर रिजर्व में है। उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज मध्य देश जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए एग्जाम पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग दिस वन। यहाँ पे ये ज़रूर पूछा सकता है आप लोगों से कि देश में जो कार्बन स्टॉक है, कुल कार्बन स्टॉक रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारे जंगल हैं वहाँ पे टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है आप लोगों से कि टोटल कार्बन स्टॉक कितना है। ये क्वेश्चन कभी कभी सो टोटल कार्बन स्टॉक के लिए हम बात करें तो हमारे फॉरेस्ट कवर में टोटल कार्बन स्टॉक पाया गया है वो बोला गया है 7,204 मिलियन टन। आप कह सकते हैं 7.2 बिलियन टन, इसको जस्टिफाई वो करते हैं 7.2 मिलियन नहीं बल्कि हम इसको बिलियन टन बोल देते हैं बिकॉज 1,000 मिलियन का एक बिलियन हो जाता है। 7.2 बिलियन टन इतना हमारे यहाँ कार्बन स्टॉक पाया गया है, तो ये भी आप डेटा याद रख सकते हैं, दिस ऑल्सो लिटिल बिट इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना। तो ये रहा हमारा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। एक और चीज़ कई बार पूछी जाती है एग्जाम में जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मैनग्रोव। मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है, तो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट में एवनली जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा मैनग्रोव क्या होता है, मतलब जो दलदली एरिया होती है ना। तो देश में मैनग्रोव फॉरेस्ट की हम बात करें कितना है, तो एज ऑफ नो मैनग्रोव फॉरेस्ट जो कवर है हमारे देश में इंडिया में एज ऑफ नो कितना है, ये है 4,992
किलोमीटर स्क्वायर, इतना मैनग्रोव फॉरेस्ट हमारे यहाँ है एज ऑफ नाउ। अब देखिए यहाँ पर याद रखना है मैनग्रोव फॉरेस्ट में दोनों नीस की तुलना में 17 किलोमीटर स्क्वायर की रेज हुई है, तो याद रखिएगा रेज ऑफ 17 किलोमीटर स्क्वायर देन 2019। देखिए जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट आमतौर पे मिलेगा आपको। इससे फ़ायदा एक और मिलता है कि जब भी सुनामी आती है तो वहाँ पर एक बफर जोन का काम भी करता है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट में ये पूरे इंडिया का है, दिस इज फॉर एंटायर इंडिया। अब ये क्वेश्चन हालांकि यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि मैनग्रोव फॉरेस्ट हमारे देश में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, याद रखिए फर्स्ट रैंक पे यहाँ पर है वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल में सुंदरवन का क्षेत्र है एंड बिकॉज ऑफ सुंदरवन एंड ऑल यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरवन है एंड यू नो दैट थिंग। और यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट है रफली अराउंड 2114 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एक मेजर एरिया जो है यहीं पर वेस्ट बंगाल में है। आप देखिए वेस्ट बंगाल का लोकेशन, ये है वेस्ट बंगाल का लोकेशन, तो यहाँ पे जो ये रीजन आपका दिख रहा है ये सुंदरबन का डेल्टा है, दैट्स क्वाइट बिग डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। तो बिकॉज ऑफ दिस वन वेस्ट बंगाल में मैनग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे स्कोर करता है ये है गुजरात। गुजरात की बात करें, गुजरात की बहुत बड़ी एरिया कोस्टल लाइन में आती है, आप यहाँ पर देखेंगे दैट्स क्वाइट बिग वन ये पूरा एरिया, और यहाँ पर आप देखेंगे दैट्स द इम्पॉर्टेंट वन बिकॉज यहाँ पर जो रन अप कच्छ का रीजन भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैनग्रोव काफ़ी ज़्यादा देखने मिलते हैं। तो गुजरात में यदि हम देखें तो यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट है 1175 किलोमीटर स्क्वायर में सेकेंड हाइस्ट, और थर्ड हाइस्ट की यदि हम बात करें, लेकिन सेकेंड हाइस्ट और फर्स्ट हाइस्ट में बहुत डिफरेंस है, मतलब ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। और थर्ड नंबर पर यहाँ पर आता है अंडमान निकोबार, हालांकि बाई डिफ़ॉल्ट कई बार लोग अंडमान निकोबार को फर्स्ट रैंक पर क्लिक कर देते हैं एंड मेनी टाइम्स इट हैपन्स, लेकिन आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर एज ऑफ नाउ है, ये है वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर आपको एरिया याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एरिया आपको इसलिए बताई गई है जिससे आपको हल्का सा पिक्चराइज करने में चीज़ों को आसानी हो, दैट्स वाई एरिया हैड बीन डिस्कस्ड टू यू। एंड अंडमान निकोबार की बात करें, यहाँ पर जो मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया गया है वो है 616 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारे देश के टॉप थ्री स्टेट यूनियन टेरेटरीज दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है जिसके पास इतना मैनग्रोव फॉरेस्ट है, तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम के बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं बिकॉज मिनिमम का एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो ये रहा मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, है ना। मैनग्रोव फॉरेस्ट में रेज की हम बात करें, रेज में उड़ीसा का नाम आता है, उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, केरला है। तो यदि हम बात करें मैनग्रोव ग्रोथ में टॉप स्टेट कौन सा है, तो पहले रैंक पे आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो कि कोस्टल लाइन है, यहाँ पे बड़ी मात्रा में मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, और वैसे आप देखेंगे उड़ीसा का यहाँ पे जो रीजन है दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे चिल्का लेक भी है यहाँ पे उड़ीसा में एंड यू नो दैट दिस, ये आपके चिल्का लेक ही यहाँ पर है, चिल्का लेक जो कि सलाइन लेक है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में मैनग्रोव फॉरेस्ट 8 किलोमीटर स्क्वायर का रेज किया गया है, हालांकि ये काफ़ी स्मॉल है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा होता है। सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सेकेंड हाईएस्ट है, महाराष्ट्र सेकेंड हाईएस्ट रेज किया है महाराष्ट्र का, हालांकि बड़ा रीजन कोस्ट लाइन में आता है, आप देखेंगे ये पूरा रीजन कोस्ट लाइन में आता है वैसे मुंबई एंड ऑल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है रफली 4 किलोमीटर स्क्वायर, अब देखिए ये एरिया वैसे बहुत कम है लेकिन फिर भी छोटा छोटा एडिशन काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कई बार। और तीसरे रैंक पे हाईएस्ट ग्रोथ किया है वो है कर्नाटका, हालांकि मैनग्रोव फॉरेस्ट इस समय डिक्रीज कर रहा है वैसे देखें बिकॉज ऑफ यू नो क्लाइमेटिक कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट थिंग वहाँ पे जो हैबिटेशंस हैं उसमें काफ़ी चेंज आते हैं बिकॉज ऑफ दीज थिंग ऑल, ये डिफरेंस क्रिएट करता है। तो ये है मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो ये रहा हमारा इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग बाकी जो रामसर कन्वेंशन की जो साइट्स हैं हमारी नई एड हुई हैं, जो COP26 है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में हमारे यहाँ जो वाटर प्राइस दिया गया है अलग अलग राज्यों को उसको डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट जुड़ी हुई चीज़ें कल हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक ले बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल, हेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।